खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में चल रहे प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली अहम सड़क के बंद हो जाने से लाखों लोगों को हो रही दिक्कतों का सवाल उठाया गया है। शाहीन बाग में करीब 55 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। सड़क के अलावा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में यह मांग भी की गई है कि कोर्ट पुलिस को ये देखने को कहे कि वहां भाषण देने वाले लोगों के किन संगठनों से संबंध है, कहीं उनका मकसद देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को भड़काना तो नहीं है। वहीं सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीनबाग में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इन इलाकों में हाल ही में गोलियां चलने की घटनाएं हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई है कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी ही और भी घटनाएं हो सकती है। जामिया नगर के आसपास एक हफ्ते में गोलियां चलाने की 3 घटनाएं हुई हैं। बता दें कि सीए और एनआरसी को लेकर 55 दिन से दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल है। प्रदर्शनकारी लगातार मोदी सरकार पर संविधान को कुचलने और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। शाहीनबाग की तर्ज पर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रही है। तो प्रदर्शनकारियों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। शाहीन बाग जहां पर 55 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, रास्ता पूरी तरीके से बंद है और आज इसी रास्ते को खुलवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी उस पर सुनवाई होने वाली है। तो शाहीन बाग का रास्ता खुलेगा या नहीं, ये काफ़ी अहम सवाल है क्योंकि 55 दिन हो चुके हैं। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला कालिंदी कुंज लंबे समय से बंद है। अनामिका हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी है। अनामिका, आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी सुनवाई होने वाली है। जो रास्ता शाहीन बाग का बंद है उस पर जो अर्जी दी गई थी आज उस पर सुनवाई है, क्या अब लग रहा है रास्ता खुलेगा? अच्छा बिल्कुल ममता, देखिए लगातार 55 दिनों से शाहीन बाग में जो है महिलाएं बच्चे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके पहले भी हाईकोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कि जो भी स्थिति है उसको देखते हुए, जनहित को देखते हुए पुलिस जो है वो ये डिसीजन लेगी और वो उस रास्ते को खाली करवाएगी। हाईकोर्ट ने अपना इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और जाहिर सी बात है ममता, जहां पे महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार 55 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो एकदम से खाली नहीं करवा सकती उस रास्ते को और एक चुनौती बन गई है जहां पूरे देश में इस सीए एनआरसी के विरोध में पुलिस की जो है एक छवि पे सवालिया निशान खड़ा किया गया था। इस वक्त बात रहे हैं तो निश्चित ही शाहीन बाग में उस रोड को जो है वो खाली कराना एक चुनौती है पुलिस के सामने। वहीं देखिए राजनीति जो है दोनों तरफ से की जा रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को इसके लिए ब्लेम करती है और वहीं केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को करती है। और बता दें आपको ये वो रास्ता है, ये वो सड़क है जहां से जो है लगभग 1.5 लाख लोग रोज गुजरते थे, कालिंदी को और नोएडा को जोड़ने वाली ये सड़क है और 55 दिन से इस सड़क के बंद होने के कारण जो यातायात है वो काफी डिस्टर्ब हो गया। जी ममता, अनामिका कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उस बीच आज इस फैसले का आना कहीं ना कहीं दोनों रिलेट जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल ममता, देखिए विधानसभा चुनाव 2020 यानी कि कल 8 फरवरी को हो रहा है और ऐसी स्थिति में जो है एक्स्ट्रा फोर्स तैनात किए गए हैं, चारों तरफ अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। इस वक्त हम जो है जामिया के सामने खड़े हैं। बता दें आपको कि गेट नंबर 4 पर प्रदर्शन के लिए चिट्ठी लिखी थी पुलिस ने बच्चों के सामने, छात्रों के सामने, कि गेट नंबर 4 पर प्रदर्शन करें, 7 नंबर गेट से प्रदर्शन को हटा करके। लेकिन आप देख सकती है मेरे पीछे जो है नजारा, जो बच्चे हैं वो अभी भी प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं ये बच्चे, लेकिन जो प्रदर्शन है वो नहीं हटाया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस ने अपील की थी, चिट्ठी लिखी थी इस प्रदर्शन को यहाँ से हटाकर गेट नंबर 4 पर जो है शिफ्ट करने का, लेकिन देखिए कहीं से भी कोई भी बच्चे जो है छात्र है ना वो नहीं हटे हैं यहाँ से। तो निश्चित ही देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं, अपील की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ शाहीन बाग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। जी ममता बिल्कुल।